नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडेज स्टेटमेंट। लाख कोशिशों के बावजूद लड़कियों और महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी की घटनाओं में कमी नहीं आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोग और यहां का पुलिस प्रशासन अपने आप को दिल्ली से कम नहीं समझता, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी तरक्की कर लेने के बाद भी यहाँ इस तरह की घटनाएँ होती ही रहती हैं। ताज़ा मामला गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र का है। दसवीं की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा से ऑटो चालक ने न सिर्फ छेड़छाड़ की बल्कि उसने छात्रा का अपहरण करने का भी प्रयास किया। पीड़ित लड़की की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी कि उसने ऑटो चालक की मंशा भाप कर ऑटो से कूद गई। हालांकि पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन लड़की अगर पुलिस के भरोसे रहती तो सहज ही कल्पना की जा सकती है कि उसके साथ क्या हो सकता था। हमारे संवाददाता अली मेहदी की यह रिपोर्ट देखिए। पीड़ित छात्रा कैलाश नगर कॉलोनी की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि वह छात्रा अपनी कॉलोनी की ही किसी स्कूल में दसवीं क्लास में पढ़ती है। इस समय उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा चल रही है। छात्रा का सेंटर नौजुग मार्केट के एमबी गर्ल्स स्कूल में पढ़ा है। बुधवार की सुबह छात्रा पेपर देने के लिए घर से निकली। उसने ऑटो पकड़ा, लेकिन ऑटो चालक ने उसे गलत जगह उतार दिया, जिसकी वजह से उसे दूसरे ऑटो में बैठना पड़ा। बताया जा रहा कि वह ऑटो चालक उसे विजयनगर क्षेत्र की काशीराम कॉलोनी लेकर जाने लगा। छात्रा ने ऑटो चालक की मंशा को भांप लिया और वह ऑटो से कूद गई। हालांकि कूदने के बाद उसे काफ़ी चोटें भी आईं। वो टेम्पू वाला जाना है एमबी गर्ल्स स्कूल में पेपर देने, वो गलत रास्ते को लेगा ऐसा काशीराम वाले रोड पर। और उसके बाद फिर हमारे पास 8:30 बजे हॉस्पिटल से फ़ोन आया। सर, मैं ऑटो में बैठा गया था, तो मैं कल ऑटो वाले से भैया थे एम बी गल में जाना है सर, यहीं छोड़ देना। तो गया छोड़ने पर सर, वो गया मैं छोड़ कर तो आ गया मैं सर, पर वो निकलेगा कोई बात नहीं, कुछ नहीं कही उसने, कह छोड़ दूँगा, पैसे वैसे कुछ नहीं है उसके पास। तो वो लेगा काशीराम में, काशीराम से पता ना कहाँ लेगा, वो कच्चे रोड पर है, उन्हें छोड़ छाड़ के लिए उन्हें मूवी चली उसका। छेड़खानी और चैन स्नैकिंग गाजियाबाद के लिए कोई पहला मामला नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक महिला से ऐसे ही कुछ बदमाशों ने चैन लूट ली थी। अकेले घर से निकल नहीं सकती हैं, कहीं जाती हैं तो पीछे लोग लग जाते हैं, लड़के लग जाते हैं पीछे, फपतियाँ कसते हैं। आपके साथ कोई ऐसी घटना दुर्घटना हुई है कभी क्या? हाँ जी, मेरी चेन स्नैच हुई थी। कब की बात है ये? 2 महीने पहले हुई थी। किस तरह से हुआ था ये? हाँ जी, मैं गई थी, नीचे उतरी थी सामान लेने के लिए कुछ अपने घर से। दो लड़के आए बाइक पे और वो चेन स्नैच करके ले गए। उसके बाद हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई भी, रिपोर्ट भी करी हमने, लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ उसमें। छात्रा के साथ छेड़खानी करने वाले ऑटो चालक को पुलिस ने पकड़कर जेल भेज दिया है। गाजियाबाद के एसएसपी इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि सरकार और पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है। देखिए, पहले तो उस घटना के बारे में जानकारी दे दूं कि उसमें जो उसके पिता ने तहरीर दी थी, उनका कहना था कि बालिका जो है वो जा रही थी ऑटो से, ऑटो में पैसे को लेकर के फिर वो जो ऑटो वाला है उसने कुछ अपशब्द कहे हैं और इसके बाद वो बालिका भय से ऑटो से कूद गई है और उससे चोट लगी थी। इसमें मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा चुकी है। यहाँ तक महिला सुरक्षा का सवाल है तो ये शासन की भी नीति है और हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर से भी निर्देश रहते हैं कि इसमें पुलिस जो है सेंसिटिव रहे और ऐसे महिला और बच्चों के जो मामले आते हैं उसमें पुलिस इमीडिएट कार्रवाई करे। एसएसपी साहब की बातों पर यकीन करें तो यही लगता है कि उनका विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन एसएसपी साहब को इतना तो बताना ही पड़ेगा कि अगर आपकी पुलिस सजग है तो फिर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं।